हे गाइस, वेलकम बैक टू एस्केट मास्टर। और आज मैं एक और नए ट्यूटोरियल के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। ये वाली फ़ोटोज़ हम आज एडिट करने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं हम इस फोटोज़ को कैसे मोबाइल में एडिट कर सकते हैं पिक्सआर्ट और लाइट रूम की मदद से। सबसे पहले हम पिक्सआर्ट में आएंगे। पिक्सआर्ट में आने के बाद हम ड्रॉ में जाएंगे। ड्रॉ वाले ऑप्शन में जाने के बाद हम इरेजर पर आएंगे। इरेजर पर आने के बाद हम इसका ओकेपेसिटी और साइज़ को सिलेक्ट करेंगे। हार्डनेस वगैरह यहाँ पर 95 के करीब रख देंगे हम और इसे सेट कर देंगे। और अब हम रिमूव करना चालू करेंगे बैकग्राउंड। तो चलिए रिमूव करते हैं बैकग्राउंड। इस तरीके से हम रिमूव करेंगे। मैं आपको करके दिखा देता हूँ, जल्दी जल्दी मैं आपको करके दिखा दूँगा, दिखा देता हूँ किस तरीके से हम करेंगे इसे रिमूव। मैं आपको जल्दी जल्दी करके दिखा देता हूँ, देखिए। ओह सॉरी, बैकग्राउंड ये हो चुका है रिमूव। और अब हम जाएंगे लेयर्स पे, इस ऑप्शन पे, फिर यहाँ पर फोटोज पे। और अब हम अपना बैकग्राउंड लेकर आएंगे जो हमें बैकग्राउंड पीछे लगाना है फोटो के। यहाँ पर हम राइट पे क्लिक कर देंगे और हम इसे नीचे वाली सबसे नीचे लेयर पे लेकर आ जाएंगे। सबसे नीचे वाली लेयर पे आने के बाद हम इसे सेट करेंगे। तो हम मल्टी लेयर पे जाएंगे, इस ऑप्शन पे जाएंगे, ट्रांसफॉर्म पे क्लिक कर देंगे। अब हम इसे अपनी फ़ोटोज़ के साथ एडजस्टमेंट करेंगे जितना हमें रखना है। ओके गाइज, इस तरीके से हम इसे सेटअप करेंगे जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। आप भी ऐसे ही सेम कर सकते हैं। और अगर आपको इसकी PNGs वगैरह सब कुछ चाहिए हो तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं आपको वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम दोबारा इस ऑप्शन में जाएंगे। ये यह हमारी यहाँ पर सेट हो चुकी है, देखिए यहाँ पर हमारा बैकग्राउंड अब सेट हो गया है। हम इस वाली एरिया को डिलीट कर देंगे, फिर मल्टी लेयर में जाएंगे। और इस ऑप्शन में जाने के बाद फ़ोटो लेयर में, और अब हम लेकर आएंगे यहाँ पर सन, जो हमें इसके ऊपर सूरज वाली रोशनी डालनी है वो लेकर आएंगे। तो मैं यहाँ से अपना सन ले लेता हूँ, ये लेंस फ्लेयर, और इसे हम राइट पे क्लिक कर देंगे। और अब हम इसे इस ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से स्क्रीन कर देंगे। अब हम इसे भी ट्रांसफॉर्म करेंगे, इसी ऑप्शन पे जाके ट्रांसफॉर्म करेंगे और इसे सेटअप करेंगे। तो देख लेते हैं कहाँ पर सेट होता है। तो मैं इसे थोड़ा और बड़ा ऊपर को आ जाए, ऊपर को, इधर नहीं। तो हम इसे सेट करेंगे गाइस इसी तरीके से जैसे कि आप देख रहे हैं। नहीं, यहाँ पर नहीं सही लग रहा है, ये यहाँ पर पीछे लेकर आना पड़ेगा, इसे यहाँ पर सही लगेगा। तो दोस्तों हम इसे, मैं इसे यहाँ पर लेकर आऊँगा, आप इसे कहीं पर भी रख सकते हैं जैसे आपकी इच्छा हो। यहाँ से हम इसे सेटअप कर लेंगे। अब हम फिर दोबारा इसी ऑप्शन में जाएंगे फोटो लेयर पे, और अब हम एक और फ़ोटो लेकर आएंगे ताकि हमारा फ़ोटो रियलिस्टिक लगे। बिल्कुल हमें बिल्कुल इस तरीके से बनाना है इस फ़ोटो को दोस्तों, क्योंकि अगर आप सब कुछ सही करोगे तभी आपको आपकी परफेक्शन आएगी इस फ़ोटो के अंदर। तो हम इसे इरेज करना चालू करेंगे, हार्डनेस बिल्कुल ज़ीरो रखेंगे और साइज़ भी कैपेसिटी फुल। और हम इसे इस तरीके से रिमूव करना चालू करेंगे। दोस्तों मैं आपको बहुत धीरे धीरे रिमूव करके दिखा रहा हूँ, इसी तरीके से आपने आराम आराम से रिमूव करना है जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। आप देखिए मैं किस तरीके से रिमूव कर रहा हूँ, इस तरीके से जूम करके हम इसे रिमूव करेंगे। तो गाइस इस तरीके से हम इसे रिमूव करेंगे। तो हम इसे फटाफट पहले रिमूव कर लेते हैं, जूम पे क्लिक कर देंगे और इस तरीके से फिर हम यहाँ से इसे मिटाना चालू करेंगे बड़े आराम आराम से, आराम आराम से, बड़े प्यार के साथ, इस तरीके से बहुत मोहब्बत के साथ रिमूव करना है बस। अब हम इसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, ये इसे सेटअप करना है बस। यहाँ पर थोड़ा सा नीचे लेके हम इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और इस तरीके से हमें इसे सेटअप करना है कि ये बिल्कुल रियल जैसा लगे। तो इसे थोड़ा और बड़ा कर लेंगे, थोड़ा, हाँ हाँ, थोड़ा सा और बस, यहाँ पर सेटअप हो गया राइट। तो दोस्तों ये हमने यहाँ पर सेटअप कर लिया है, सन भी हमारा सेटअप हो गया जैसे कि आप देख रहे हैं। हम इसे सेव कर लेंगे और अब हम चलेंगे लाइट रूम में। तो मैं आपको लेके चलता हूँ लाइट रूम में, यहाँ पर हम कलर ग्रेडिंग करेंगे। अब हम सबसे पहले इसकी ब्राइटनेस वगैरह, कंट्रास्ट वगैरह देख लेते हैं यहाँ पर।
दोस्तों आप अपनी फ़ोटो के हिसाब से यहाँ पर रख सकते हैं, बट आपको कलर ग्रेडिंग करना हो तो लाइट रूम को ही चूज़ कीजिए, यहाँ पर सब कुछ बढ़िया तरीके से होता है। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप अपनी फ़ोटो के हिसाब से रखेंगे, मैं अपनी फ़ोटो के हिसाब से रख रहा हूँ। अगर आपको इसका प्रीसेट वगैरह अगर कुछ भी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं बना के अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दूँगा। आप वहाँ से मैं लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरे सारे प्रीसेट आपको फ्री में मिलेंगे जितने मैं बनाऊँगा। टेक्स्ट थोड़ा सा बस, अब हम जाएंगे स्प्लिट टोन में। यहाँ पर हम टोन वगैरह देखेंगे कौन सी टोन हमारी सेट हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पर देखने वाला बहुत ध्यान से होता है, तो यहाँ से आप ध्यान से करना, मैं तो एकदम कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसका सब कुछ पता है। तो आप बड़े ध्यान से करना, आपकी कलर फोटो में कैसे आएगी वो आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा, कैसी कैसी स्प्लिट टोन वगैरह आनी चाहिए। तो इस तरीके से सेटअप कर लेंगे हम, आई थिंक यहाँ पर सही है, डन। अब हमें यहाँ पर क्लियरिटी को थोड़ा बढ़ा के देख लूँगा, 100% करके नहीं, थोड़ा ज़्यादा सही है। चलो ये हो गया। यहाँ पर तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ तक तो सब कुछ सही ही है। अब हम जाएंगे सबसे ऊपर वाले ऑप्शन में। दोस्तों आपको प्रीमियम वर्जन में मिलता है, यहाँ पर जाने के बाद आप इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे और इस तरीके से गोल सर्कल बना देंगे आप, और इसे बीच में दबा के रखेंगे और इन्वर्ट कर देंगे। इन्वर्ट करने के बाद जो आप इसका बाहर का जो है वो कंट्रास्ट देख सकते हैं, अंदर का चेंज नहीं होगा, सिर्फ बाहर बाहर का चेंज होगा जो आपने बीच में दबा के इन्वर्ट करा है इसीलिए। तो यहाँ से हम हर चीज़ को बाहर की तरफ से सही बिल्कुल परफेक्शन दे सकते हैं, हमारी फ़ोटो में कुछ नहीं चेंज होगा, बस बाहर बाहर चेंज होगा जो इस गोल घेरे के अंदर अंदर है उसमें कुछ नहीं होगा चेंज। तो दोस्तों यहाँ तक सही है, आई थिंक, आई होप कि आपको भी अच्छी लग रही होगी फ़ोटो। अगर अच्छी लग रही हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, आप लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। ऐसी ऐसी वीडियो देखने के लिए, एडिटिंग की वीडियो देखने के लिए। तो यहाँ से मैं इसका ये देख लेता हूँ यहाँ पर। दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है, मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है इस चीज़ के ऊपर, वरना फ़ोटो बहुत बेकार बनती है। फिर आप कहते हो कि भाई कैसे कमेंट, उल्टे सीधे कमेंट आते हैं। तो दोस्तों इसीलिए देख सकते हो आप पहले कैसी थी और अब कैसी है, ये देखो अब कैसी हो गई है। तो अब हम इसे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद दोस्तों हमें इसे एक और बार इसे लाइट रूम में ही ऐड करना है दोबारा से हमें इसके अंदर, क्योंकि इसमें एक और रीटचिंग रह गई है लाइट रूम के अंदर। तो हम इसे दोबारा से इसके अंदर ऐड कर लेंगे और उसके बाद हम इस ऑप्शन पे जाएंगे और फिर इसके बाद अब हम अपने हाथ पे, क्योंकि मेरे हाथ का कलर थोड़ा सा अलग हो रहा था तो इस वजह से मैंने ध्यान नहीं दिया था, तो हम इसे यहाँ पर सेटअप करेंगे और अपने हाथ को भी कलर वैसा ही देंगे जैसे हमारी फुल बॉडी का हो रहा है, ताकि ताकि सब कुछ मैच करे। तो यहाँ से हम कलर चूज़ कर लेंगे कहाँ पर मैच हो रहा है, कहाँ पर भैया, हो जा यार,
हाँ आई थिंक यहाँ पर सही है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा हाथ का कलर शायद मैच हो गया। हाँ आई थिंक थोड़ा सा, और ये हमारा हाथ का कलर मैच हो चुका है। तो दोस्तों देख सकते हो आप फोटो कैसी। तो गाइस आप देख सकते हैं कितनी कमाल की फोटो बनी है। तो दोस्तों आप भी ऐसी फोटो बना सकते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। देख लो किस तरीके से मैंने इस फोटो को बनाया है, तो आप भी इसी तरीके से बना सकते हैं। और साथ में हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियो देखने के लिए, हम ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। और साथ में Instagram पर भी हमें फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर हम डेली अपडेट देते रहते हैं। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप हमसे Instagram पर पूछ सकते हैं। और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।